डक की पीठ मधुमक्खियों से भरी हुई है, इसलिए वो सावधानी से अपनी शर्ट उतारता है, फिर जल्दी से उसे बाथरूम में फेंक देता है। वो सोचता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन उसके मुंह से और भी अधिक मधुमक्खियां निकलने लगी है। इस संघर्ष में वो गलती से टॉयलेट पर गिरता है, जिससे उसकी मौत तुरंत हो जाती है। वास्तव में घर में एक भी मधुमक्खी नहीं थी, ये सब डक का भ्रम था। डक के अंतिम संस्कार में उसकी गर्लफ्रेंड एमिली बहुत ही दुखी है। एमिली की गोद ली हुई बेटी लिलित एमिली का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन एमिली इसको मना कर देती है। घर जाते समय एमिली देखती है कि लिलित अपने पैर हिला रही है, जैसे कि डक की मौत से उसे कोई दुख नहीं है। एमिली को लिलित पर शक होता है, और जब वो घर पहुंचती है तो वो लिलित की सगी माँ का पूछताछ वीडियो देखना शुरू कर देती है। वीडियो में जब उससे पूछा जाता है कि उसने अपनी बेटी को जलाने की कोशिश क्यों की थी, तब वो जवाब देती है कि लिलित उसकी बेटी नहीं बल्कि एक राक्षस है। एमिली लिलित के पिता से मिलने जाती है। पिता एमिली से सीधे पूछता है कि क्या किसी की मृत्यु हो गई है। वो एमिली को बताता है कि उसका लिलित को गोद लेना लिलित की योजना का हिस्सा था, और अब लिलित एमिली के परिवार वालों को एक एक कर मारना शुरू कर रही है। एमिली आखिरकार समझ जाती है कि लिलित के माता पिता उसको क्यों जलाना चाहते थे।